उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला के ब्लॉक गुहांड के ग्राम पंचायत रेगवारा खुर्द में सड़क न होने के कारण श्याम करण सहित गांव के 1800 लोगों को निकलने में तथा स्कूल के बच्चों को और स्कूल जाने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यही है, ये सारे गांव की रास्ता है और जो कि ना तो कोई वाहन निकल सकता है यहाँ से, ना कोई आ जा सकता है यहाँ से। इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये सड़क बननी चाहिए, और कुछ नहीं और क्या चाहिए। समस्या 4-5 साल से है। प्रयास यही कि यादकारी लोग आते हैं और चले जाते हैं देख करके, मुआयना करके। ये तो पूरी गांव की समस्या है, ये मेन सड़क है, यहाँ पे बाहर भी जाना है, रोड पे जाना है, तो पूरी एक रास्ता है। कितनी दूरी है इसकी? इसकी 300 मीटर की दूरी है लगभग। तो आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि ये बन जाए तो अच्छी बात है। जो भी आते हैं अधिकारी लोग, हम सबसे यही अपील करते हैं, ये रास्ता बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये रास्ता में जो है नाला बड़ा है, ट्रैक्टर नाली कुछ नहीं कर रही, ट्रैक्टर वो मोटरसाइकिल। ऐसे कितने लोगों की समस्या है? साले गाँव की हो तो साहब, मेन सड़क है। कितनी दूरी है इसके? 300 किलोमीटर हो, मीटर 300 मीटर। तो कितने दिनों से ये समस्या? ये साहब 5 साल से हो गई, 5 का और ज्यादा हो गई। तो आप क्या चाहते हैं? ये चाहे साहब ये सीसी बन जाए यहाँ पर। तो आपने कुछ प्रयास किया, कहीं किसी से कहा? कुछ प्रयास किया साहब, आते हैं ना आप, जाते हैं वो चले जाते हैं कि बन जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहे साहब, चाहते कि बन जाए तो हम क्या चाहते? यह जस व्यवस्था है कि जो भरू पानी है, इसी में ब्याह करा ना रिश्तेदार जा पाओ न जा पाओ, तो इसमें गिर जा। एक दिन हम गिर गई थी, पूरी खाचड़ में पूरी भींज गई थी, मरस से बची। जब व्यवस्था है तो ऐसी कितने लोगों को परेशानी है? पूरे गांव के परेशानी है, जो प्रधान करा नहीं रहा हुआ। मेन रास्ता है, ट्रैक्टर निकले, सब कुछ साधन निकले, ऐसे ही में शादी कराते, ऐसे खाचड़ा में बरात गिर परात। हाँ, तो आपकी जो कितने दिनों से समस्या है? जब 5 साल से। तो आप क्या चाहते हैं? बनना चाहती हूँ। यही है कि घरों की गलियां, गांव की गलियां है, ये पानी भरा हुआ है, कूड़ा कीचड़ कीचड़ है, कोई आता है पीछे चला जाता है, निकल नहीं पाता। शादियां होती हैं, रिश्तेदार आते जाते हैं तो निकल नहीं पाते। अभी कल एम्बुलेंस भी आई थी, वो भी पीछे हो गई, मरीज को बीच गांव में छोड़ के चली गई, उसके घर तक ऐसे ले जाना पड़ा पैदल। तो बताओ, तो ऐसे कितने लोगों की समस्या है? गांव की है, आते जाते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सबकी समस्या है, सब बोलते हैं यही। कितने दिनों से है? 5 साल हो चुके हैं। प्रधान ही है, प्रधान आता है, सर्वे करा के चला जाता है, कराता ही नहीं कुछ। तो आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि बने गलियां, गांव में कीचड़ मचा रहता है, ये देख ले तो नहीं। कहीं भी डालो, ऊपर तक पहुंचाओ, ये गांव की सड़कें बने, वो गलियां बने, कीचड़ मचा है पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूं कि जो अधिकारी लोग हैं इस मतलब इस योजना पर ज़्यादा ध्यान दें, और ये गलियां हैं गाँव की वो बनवाएँ और हमारी बात को सुना जाए, ये गलियाँ ठीक कराएँ। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये सड़क की समस्या है। तो आपने किसी से कहा? हाँ, प्रधान से कई बार कहा, सर्वे हो गई, बोले काली बन रही। 5 साल हो, परेशान हो, तो आलो नहीं बन पाई। कितने दिनों से ये समस्या? 5 साल हो गई। तो आपने किसी से कहा है? हाँ कहा है, प्रधान से कहा है, पंचायत में सभी कहा है, अगले को नहीं सुना। कितने लोगों को ये समस्या? अब काफी लोग है, जितने सड़क में आदमी पाते हैं, सारे लोग गांव के परेशान हैं। मैं रास्ता आए, पूरे गांव की बाहर। कितनी दूरी है इसके? 300 किलोमीटर कम नहीं है, मीटर मीटर 300 मीटर। सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके।